अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट लेंगे बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय डॉक्टर हारिस शेफान। सबसे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1, यानी ये हमारी बुक का सबसे पहला लेक्चर है। ये हम स्टार्ट लेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स से। फार्मेकोकाइनेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। देखो, जब आपके पास फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है, फार्मेकोकाइनेटिक्स टोटली 4 चीज़ों से बनती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, यानी ADME। अगर आपको ये 4 लफ्ज समझ में आ गए, दैट मीन्स आप फार्मेकोकाइनेटिक्स को समझ गए। सो बेसिकली क्या है फार्मेकोकाइनेटिक्स? ये होती है कि जब कभी भी आप एक ड्रग लेते हैं, ड्रग आपकी बॉडी में जाती है और फिर आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, यानी आपकी बॉडी ड्रग के साथ जो जो करेगी उस तमाम चीज़ों को हम कहेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब सबसे पहले आप ये देखें कि फार्मेको का जो वर्ड है, फार्मेको दैट मींस ड्रग, और काइनेटिक्स आपने कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो अब आप इन दो लफ्ज़ को यहाँ पे देखिएगा। फ़र्ज कीजिए आप एक टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट आपने ली, टैबलेट आपके स्टमक में गई और इंटेस्टाइन में गई, ठीक है। अब स्टमक या इंटेस्टाइन से वो टैबलेट अब्जॉर्ब होती है आपके ब्लड में। तो ये जो स्टमक या इंटेस्टाइन से ब्लड में एक ड्रग जाती है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी आपके इंटेस्टाइन से या आपकी GIT से एक ड्रग ब्लड में मूव कर गई। तो ये पहली मूवमेंट है और इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब जब आपकी ब्लड में ड्रग आ चुकी है, तो आपको पता है ड्रग तो ब्लड तो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, तो जहां जहां ब्लड मूव करेगा, ब्लड के अंदर तो ड्रग भी मौजूद है, तो जहां जहां ब्लड मूव करेगा उस तमाम ऑर्गन्स में साथ साथ ड्रग भी मूव करेगी और हर एक टिश्यू तक ड्रग पहुंच जाएगी और हर एक टिश्यू में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है, जो आपकी बॉडी में ड्रग मूव कर रही है और हर एक टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हम इसको नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये ड्रग आपकी बॉडी में मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये ड्रग लिवर में भी जाएगी और ये ड्रग किडनी में भी जाएगी। तो लिवर और किडनी क्या करते हैं, मेनली बात करेंगे लिवर की। लिवर में जब ये ड्रग मूव करती है तो लिवर में कुछ होते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, मेटाबोलिज्म हो जाता है ड्रग का, ड्रग टूट जाती है। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू द लिवर एंड अंडरगोज एंजाइमेटिक मेटाबोलिज्म, ये आपके पास थर्ड मूवमेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फिर क्या होगा, जब एक ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो इनएक्टिव बन जाती है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। कैसे, एक तो ये लिवर से जा सकती है डायरेक्टली GIT में और फीसिस के थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, एक तरीका। दूसरा ये कि ये ड्रग जा सकती है किडनी में, किडनी में जाएगी और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये जो चौथा पॉइंट है, चौथी मूवमेंट है, वी कॉल इट एलिमिनेशन। अब ये फीसिस या इंटेस्टाइन में कब जाएगी, अगर तो ड्रग बहुत ही लिपिड नेचर की है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है या लिपिड सॉल्युबल है, तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन के जरिए एक्सक्रीट आउट होगी। अगर वो है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल किडनी के थ्रू यूरिन से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये 4 मूवमेंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। GIT से ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन, ब्लड का पूरी बॉडी में जाना और ड्रग को हर एक ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब वो ड्रग जाएगी लिवर में, वहाँ पे वो मेटाबोलाइज हो जाती है, वी कॉल इट मेटाबोलिज्म, और लिवर से वो जाएगी किडनी में और किडनी के थ्रू वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगी, वी कॉल इट एलिमिनेशन। तो ये 4 लफ्ज़ हैं जो बेसिक फार्मेकोकाइनेटिक्स का एक आपको कंसेप्ट देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स।